नमस्कार किसान भाइयों, किसान खबर चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज होगी 20 जून 2023 और जयपुर मोहना मंडी में आलू की क्या पोजीशन बन रही है सभी जानकारी होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, गौरव बत्रा जी से जान लेंगे आज के आलू की क्या पोजीशन रहने वाली है और कितनी आवक वगैरह है सभी जानकारी होने वाली है। बस एकदम बढ़िया यादव जी, एकदम बढ़िया। पोजीशन कल से थोड़ी सही है, कल बाजार में 60 गाड़ी थी, आज वापस 45 गाड़ी है। कल का बैलेंस मिला के 10 गाड़ी कल की, बाकी 35 गाड़ी ताजा है। बाजार थोड़ा ठीक है, आज माल क्लियर हो जाएगा। कल जो बैलेंस रहता आज नहीं रहना चाहिए बैलेंस, थोड़ा मौसम भी खुल गया। कल रात को भी थोड़ा मौसम साफ था, बारिश नहीं थी बाजारों में, तो माल वाल बिका। आज ग्राहक बाजार में आया है तो लगभग आप देखोगे सब डेयरी भरी गई है, खाली एक दो डेयरी बच रही है लगभग, बाकी सब डेयरी भर गई है। गर्मी से ज्यादा उमस हो गई है, गर्मी के बाद बारिश पड़ती है थोड़ी हो जाती है, धीरे धीरे देखो 3-4 दिन में थोड़ा मौसम में और ठंडा आ जाएगा तो बिक्री थोड़ी बढ़ जाएगी, सुधर जानी चाहिए अगर वापस गर्मी का ज्यादा नहीं आता है तो। थोड़ा सा ऊपर में बाजार भाई साहब देखो, ज्यादा तो देखो यही बिक रहा है 10-10.5, बाकी कोई माशाकोर माल आता है तो 11 रुपए, बाकी ज्यादा बाजार 8 से लेके 10-10.5 ही समझो आप। नीचे में नीचे ये 8 रुपए कोई ज्यादा हल्का है तो बात अलग है, बाकी 8 रुपए से लेके 10-10.5, ऊपर एक्स्ट्रा कोई 11 रुपए, ये रिपोर्ट समझ के चला भाई। 4 गाड़ी थी सर बिक गई है, 4 में से खाली 1 गाड़ी में माल रह रहा है, बाकी 3 गाड़ी बिक गई है, क्लियर है सर। अलग अलग यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, यूपी आप मानो यूपी में से डेली अगर अपन बात करें आलू की तो बहुत गाड़ियां निकल जाती हैं, जिसमें कोई अंदाजा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्वालिटी के ऊपर है भाई, 37-97 में तो 37-97 में क्वालिटी, जैसे हमारे यहाँ पकड़ ज्यादा है, कहीं सोना की ज्यादा है, बाकी हमारे यहाँ पे जो ज्यादा ये अलीगढ़ इगलास हाथरस इन एरिया के सादाबाद इन एरिया के ज्यादा आलू आते हैं, तो इन एरिया के ज्यादा बिल्कुल पोजीशन सही रहनी चाहिए भाजी। ये बाजार तो है ही, बाकी देखो कुछ, बाकी ये बाजार तो चलता रहेगा, धीरे धीरे करके माल निकालता रहे किसान, ब्रेक लगाएगा बाद में एकदम से निकालेगा तो बाजार टूटने के चांस है, पर अगर धीरे धीरे निकालता रहेगा तो बाजार टूटने के चांस नहीं है, क्योंकि भाव कम ही है तो किसान को पड़ता नहीं खा रहा था, वो धीरे धीरे निकालता रहे, पर बाजार ये चलता रहे। ये वाला 9.5 रुपए कहने भी है, कलर डिम है तो 37-37 पर डिम कलर है, मिट्टी चिपकी हुई है, मिट्टी चिपकी हुई है। ये वाला सर ये हाइब्रिड है भाई साहब, ये भी 9.5 रुपए चल रहा है। हाँ जी, सामने वाला सर, सामने वाला 9 रुपए।